देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की बिसात बिछ चुकी है। कहीं पार्टी को रिपीट करने का दावा किया जा रहा है तो कहीं सत्ता परिवर्तन का दम भरा जा रहा है। अगर इन 5 राज्यों में चुनावों की बात की जाए तो राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर साख दांव पर लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस 25 सालों के इतिहास को दोहराने से बचना चाह रहा है। चुनावी समीकरण शुरू हो चुके हैं, दांव पेच यहां पर चलने अब शुरू किए जा चुके हैं, लेकिन इन चुनावों के बीच में राजस्थान के एक छोटे से गांव का जिक्र करना काफी लाजमी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि चुनावी समर में राजस्थान के एक छोटे से गांव का जिक्र क्यों किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि वो गांव ऐसा है जहां पर जब देश के बच्चे ABCD और क ख ग ढ सीखते हैं तो इस उम्र के बच्चे उस गांव में चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों की जो चालें हैं उनको सीखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को बचपन से ही ज्योतिष का ज्ञान है, वह यहाँ पर दिया जाता है। राजधानी जयपुर यानी कि राजस्थान की जो राजधानी है उससे करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करके जब भीलवाड़ा पहुंचेंगे और भीलवाड़ा से करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करेंगे तो एक गांव आता है, कारोई गांव। जी हां, इस गांव का नाम लेते ही शायद आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल मची हो। कारोई गांव जहां की आबादी महज 10,000 है, लेकिन यहां पर ऐसे सैकड़ों परिवार मिल जाएंगे जो सटीक भविष्यवाणी करते हैं। यानी कि इन 10,000 की आबादी में 20 ऐसे परिवार हैं जो भृगु ज्योतिष का सटीक भविष्यवाणी करते हैं। जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं, चाहे वो देश का कोई भी राज्य हो, तो जो राजनेता हैं वे अपना भविष्य जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। इनमें अगर बड़े नामों की बात की जाए तो वसुंधरा राजे, इसके अलावा रघु शर्मा, राजनाथ सिंह, यहाँ तक भी कि अन्य राज्यों के कई दिग्गज नेता भी अपना भविष्य यहाँ जानने आते हैं। यहाँ के जो ज्योतिष हैं वो गणित के आधार पर गणना करके भविष्य बताते हैं। यहाँ 2+2=4 नहीं होता है, यहाँ 2+2 से भविष्य बताया जाता है। कारोई का ये गांव बहुत ज़्यादा फेमस है और एक बार फिर से देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के साथ ही अब कारोई के भविष्यवाणी है उस पर लोगों की नजरें टिकती जा रही है। द नगरी न्यूज की टीम जब कारोई गांव पहुंची, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सबके मन में सवाल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो इस समय दोनों ही पार्टियों में चाहे जीत किसे भी मिले, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब द नगरी न्यूज की टीम कारोई गांव पहुंची तो जो भविष्यवाणी सामने आई वो काफी दिलचस्प थी। भविष्यवाणी हालांकि थोड़ी सी अदल बदल करके की गई, लेकिन भविष्यवाणी सटीक बैठती है या नहीं बैठती है ये चुनाव के परिणाम जो आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा। कारोई गांव के बहुत जाने माने भविष्यवक्ता गोपाल व्यास, जिन्होंने 2023 में सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर एक भविष्यवाणी की, जो हम आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव में अभी चल रहे हैं उसमें बैठूंगा कमान नहीं सुनिश्चित, बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी को ताने लेगी वसुंधरा राजे ही, मतलब बीजेपी को तार सकती है। तो बैठूंगा कमान मिलती तो बीजेपी सपोर्ट में सरकार बन जाती है, मैडम कमान नहीं मिलने से पार्टी नीचे रह जाएगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे वापस और समथिंग 85 के पास सीटें आएगी, 90 या 85 और नई दिल्ली को मिला के सरकार बना लेंगे। ये कहानी सोचे सर, दूसरे दलों की कितनी सीटें आ सकती है, जैसे RLP है समथिंग 8-10 भाई, निर्दलीय ऊपर क्या निर्दलीय ज़्यादा जो है ना कुल मिला निर्दलीय 30-40 सीटें निर्दलीय पार करती है, निर्दलीय सीटें रहेंगी 20 के आसपास, निर्दलीय चले जाएंगे, निर्दलीय सीटें ज़्यादा रहेंगी।
वसुंधरा जी और राजे जी को कमान सौंप देते स्पष्ट बहुमत से सरकार बन जाती और राजे उस कमान एक ही वो है राजयोग है उनके मतलब क्या वही मतलब सरकार को उभार सकते हैं बीजेपी की सरकार को जैसे मोदी जी है केंद्र में मोदी जी जी बीजेपी सरकार चला सकते हैं उसी तरह से इनके हाथ में कमान होती तो पूरी सपोर्ट वो सरकार मिलती और आतंक कांग्रेस बीजेपी सरकार बन जाती है उन कमान नहीं होने से मामला बिगड़ जाएगा और अशोक गहलोत की सरकार बनेगी और मिलकर सरकार बनाएंगे निर्दल को मिला करके और केंद्र वापस बीजेपी की सरकार आएगी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो कुछ समय बचेगा मोदी जी प्रसाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये अभी भारतीय कहानी चलेगी बाकी। आपने सुना गोपाल व्यास की भविष्यवाणी, उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी की जीत भी नहीं कही तो कांग्रेस की जीत भी नहीं बताई, यानी कि अपनी भविष्यवाणी से उन्होंने बीजेपी आलाकमान को सीधा संदेश दिया है कि यदि वह वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाते हैं तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात की जाए कि यदि सत्ता में कांग्रेस की सरकार आती है तो एक बार फिर से अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। कारोई गांव से निकली हुई भविष्यवाणियों पर बड़े बड़े लोगों को विश्वास होता है और वसुंधरा राजे इस कारोई गांव की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन रखती हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव जो 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है और 30 दिसंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटिंग मशीन करेगी, तो ऐसे में क्या गारोई गांव से निकली हुई भविष्यवाणी फिर से सटीक बैठती है? क्या कारोई गांव से बीजेपी आलाकमान को जो इनडायरेक्टली मैसेज किया गया है उसके चलते क्या बीजेपी आलाकमान कोई फैसला लेता है या फिर चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिर से प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में लेते हुए राजस्थान की जनता देखेगी। द नगरी न्यूज़ की खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।